इससे पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि आजकल बैंक, जितने भी बैंक है, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, मैं किसी एक खास बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो SBI हो या ICICI हो या आपका कोई भी बैंक हो, सभी बैंक अपने कस्टमर को बेवकूफ बनाने पे लगे हुए हैं। चाहे वो कॉल के माध्यम से हो या फिर आप ब्रांच में जाते हैं उसके माध्यम से। तो चलिए आज मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे आप कोई ब्रांच, कैसे आपका बैंक आपको लूट रहा है और उससे आप क्या कर सकते हैं, कैसे सावधान रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि बैंक के पास पहले तो क्या था कि मैक्सिमम लोग लाइन लगाए रहते थे जाने के लिए कि चलो भाई ये काम करना है तो बैंक में जाओ, ये काम करना है बैंक में जाओ। लेकिन अब क्या है कि मैक्सिमम लोग जो ऑनलाइन काम अपना करना शुरू कर दिया है, तो इसमें बैंक के पास कस्टमर कम आते। लेकिन बैंकों को क्या एक्सेस दिया हुआ है कि बैंक को पहले केवल बैंकिंग काम करने का एक्सेस था। बैंकिंग मतलब आपको पैसा लाना और पैसा जाना, चेक लेना, पैसा सब ये काम था। लेकिन अब क्या किया है कि जितने भी बैंक हैं, सब बैंक ने अपने जस्ट इंश्योरेंस एजेंट की तरह अपनी एजेंसी ले लिया है। सारे बैंक, जितने भी बैंक हैं, उनको एक सबने अपना सेकेंड इनकम बनाने के लिए एजेंसी ले लिया है। और उस एजेंसी लेने से उनको क्या हुआ कि जितने भी उनके पास जो भी कस्टमर वाले बंदे बैठे हुए हैं या जो भी आपके काउंटर पे बंदे बैठे हुए हैं, सबको एक टारगेट दे दिया गया है कि आपको इस टारगेट पे इतना काम करना है। अब क्या है कि जब एजेंसी लिया हुआ है तो एजेंसी से कमीशन उनको मिल रहा है, तो कमीशन मिल रहा है तो कैसे क्लाइंट को फंसाया जाए। तो जो क्लाइंट जाता है उसी क्लाइंट को वो मिसयूज करते हैं। मिसयूज कैसे करते हैं? बोलते हैं कि साहब आपका पैसा 50,000 रुपये या 5 लाख रुपये या 50 लाख रुपये तो ऐसे अकाउंट में पड़ा हुआ है, यहां पर अकाउंट में पड़े हुए तो कोई फायदा है नहीं, आप इसको FD कर दीजिए। जबकि वो FD बोलते हैं, FD करते नहीं है। ऐसे मेरे कई सारे क्लाइंट्स जो धोखाधड़ी में फंस चुके हैं, और जिसमें से मैंने तो एक कर्नल साहब का कम से कम 15 लाख रुपए निकलवाए भी हैं, उसका पूरा प्रूफ है। तो क्या करते हैं, बोलते हैं कि सर आप FD नहीं करना चाहते तो आप एक काम कीजिए, इसको म्यूचुअल फंड्स में कर दीजिए। जबकि बैंक क्या करता है कि म्यूचुअल फंड्स में करते नहीं है, म्यूचुअल फंड्स का नाम लेते हैं कि सर ये आपका पैसा हम म्यूचुअल फंड्स में कर देंगे और 5 साल के बाद आप इसको निकाल लेना, पैसा डबल से ज्यादा हो जाएगा। ऐसे तो 12 साल में पैसा डबल होगा, लेकिन यहां पे रखेंगे तो 5 साल में डबल हो जाएगा। ये बोलते हैं कि ये म्यूचुअल फंड है, लेकिन एक्चुअल में म्यूचुअल फंड्स बैंक नहीं बेचता। मैं बैंक क्या बेचता है, यूलिप, यानी यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान बेचते हैं क्योंकि उनका काम है कमीशन आपसे बनाना, और जब कमीशन बनेगा कब, जब वो यूलिप बेचेंगे। तो ये आपको म्यूचुअल फंड के नाम पे यूलिप बेच देते। तो देखिए, आप जाकर अपनी पॉलिसी, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है जो म्यूचुअल फंड्स के नाम पे बोला हुआ है कि सर इक्विटी में इतना जाएगा, डेट में इतना जाएगा, तो ये बता दूं कि ये आपके म्यूचुअल फंड्स नहीं है, वो है यूलिप। मैं यूलिप की डिटेल्स आपको अभी बताता हूँ, हालांकि पिछले वीडियो में भी बताए हुए हैं, फिर भी एक बार समझ लीजिए। तो वो क्या करते हैं कि आपको यूलिप बेच देते हैं। यूलिप में क्या होता है कि 5 साल तक की लॉकिंग होता है, यानी आपका पैसा 5 साल से पहले नहीं मिल सकता, या आज जो पैसा लगाएंगे 5 साल के बाद मिलेगा। जैसे ही अगर बैंक कहता है कि सर आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक है, इसके मतलब 5 साल के बाद आप निकाल सकते हैं, तो आप आंख बंद करके बोल दीजिए कि ये म्यूचुअल फंड्स नहीं है, म्यूचुअल फंड्स 5 साल की लॉकिंग नहीं करता, ये सीधे के सीधे इंश्योरेंस प्लान है। तो इंश्योरेंस प्लान इसलिए बेच रहा है कि उसको कमीशन मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ओपन एंडेड होते हैं या क्लोज एंडेड होते हैं। जो क्लोज एंडेड होते हैं वो ELSS होते हैं, जो टैक्स सेविंग वाले होते हैं, जो उसमें भी 3 साल की लॉकिंग होती है, वो 5 साल की लॉकिंग नहीं होती है। दूसरी बात क्या है कि म्यूचुअल फंड जितने भी होते हैं, आप आज रखते हैं पैसा तो आपको कल जरूरत है ओपन एंडेड में तो निकाल सकते हैं, लेकिन यूलिप में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका आज 1 लाख रुपये चला गया तो समझ लीजिए कि वो 5 साल से पहले नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो सही, लेकिन उसका और म्यूचुअल फंड्स में क्या नुकसान है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी आपको प्रेजेंटेशन एग्जाम्पल के साथ दिखाकर समझाता हूं। अब आप यहां पर देखिए, मैंने
मैक्सिमम चीजें, क्योंकि क्लाइंट की एक्चुअल डिटेल्स है उसको मैंने हाइड किया हुआ है, तो आप यहां पर समझिए सबसे पहले क्या होता है म्यूचुअल फंड्स और यूलिप में अंतर क्या है वो समझिए। म्यूचुअल फंड्स जो होता है ओपन एंडेड होता है और ये आप कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लगता एक्सेप्ट एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। ये तो हो गया म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। जो म्यूचुअल फंड्स के नाम पे आपको बेचते हैं, बेचते क्या है यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है कि आपको एक सबसे पहले कमीशन निकल जाता है जो एजेंट को जाता है, हर पॉलिसी पे देखेंगे तो एक कमीशन होता है। उसके बाद उसमें फंड मैनेजमेंट चार्जेज होता है जो आपका हर पॉलिसी पे अलग अलग, जब भी आपके पास कोई किताब हो तो आप उसको उठाकर देखिएगा, ये चौथा पांचवा पेज होगा जहां पर सारी डिटेल्स लिखा होता है। उसके बाद आपको यहां पर आता है मोर्टिलिटी चार्जेस, ठीक है, उसका पैसा कटता है, और उसके बाद आता है एडमिन चार्जेस, ये सब आपके यूलिप में लगता है। तो ये सारे पैसे कहां से जाने हैं, जो आप पैसा देते हैं उसी में से कटना है। अब आप यहां पर देखिए कि किस, यहां पर मैं एक एग्जांपल लिया है कि 2008 में किसी ने एक ही बार 25,000 रुपये लगाया है, और ये रियल वैल्यू है, एक्चुअल में लगा हुआ है, पॉलिसी डिटेल्स मैंने हाइड कर रखी है क्योंकि किसी खास पर्टिकुलर क्लाइंट के डिटेल्स हैं ये, राइट। तो अब देखिए कि 25,000 रुपये उन्होंने यूलिप में इन्वेस्ट किया एक बार में, मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा आपका म्यूचुअल फंड्स के साथ और उसके साथ। अब क्योंकि यूलिप लिया हुआ है तो इसमें इंश्योरेंस की वैल्यू लगता है, तो यहां पर मोर्टिलिटी चार्जेज आप देख रहे होंगे, मोर्टिलिटी चार्जेस, उसके बाद आप देख रहे हैं एडमिन चार्जेस, राइट। तो यहां पर 25,000 रुपये जो उसने से दिया, उस समय मार्केट की वैल्यू थी 11 रुपये, ठीक है, एनएबी। एनएबी क्या होता है, जब भी आप कोई यूलिप खरीदते हैं तो उस समय जो उसका नेट एसेट वैल्यू होता है उस पर डिवाइड हो जाता है और उतना आपको यूनिट अलॉट हो जाता है। तो 11 रुपये 26 पैसे का यूनिट था, इसमें से आपको अगर आप देखेंगे तो 2,094 यूनिट आपको मिला, तो 2,094 यूनिट यहां पर आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि आपके एडमिन चार्जेस मोर्टिलिटी चार्जेस, ठीक है, सब आप देखते जाइए, क्योंकि ये वन टाइम है तो यहां पर आपको फंड मैनेजमेंट चार्जेज एक अलग से होता है। जब आप पॉलिसी लेते हैं तो बोलते हैं कि 5 साल आपको करना है, 5 साल आप दीजिए उसके बाद आप ले लीजिए, ठीक है ना। तो जब 5 साल आप करते हैं तो हर समय में फंड मैनेजमेंट चार्जेस और कमीशन, ठीक है, ये एडिशनल आपके पैसे में से कटता है, क्योंकि कंपनी को जो भी बैंक है उसको अपना कमीशन से मतलब है, आपके पैसे ग्रोथ से मतलब नहीं है, तो वो उसको कहते हैं कि आपको 5 साल पे करना है। तो मैंने अभी 1 साल के लिए कि एक ही बार किसी ने पैसा दे दिया और उसको बोला गया कि 6 साल में आप 5 साल के बाद आप निकाल लीजिए, तो क्या होगा। तो देखिए, पहला तो उसने पैसा दे दिया, कमीशन काट के जितना लगा लग गया होगा। उसके बाद आप देखेंगे यहां पे जनवरी में किया, फरवरी आप तो पैसा तो दिया नहीं, लेकिन उसके चार्जेज में से एडमिन चार्जेज मोर्टिलिटी चार्जेज एडमिन चार्जेज मोर्टिलिटी चार्जेज कटते रहा, यानी 2,094 जो यूनिट मिला है उसमें से धीरे 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 ये यूनिट कम होते रहा, क्योंकि उससे ये तो खर्चा लगेगा ना कंपनी का। तो जो अब चलिए उसके बाद क्या देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप से वो चीजें आपके चलते रहते हैं और ये खर्चा कटते रहता है। वो आपने मान लीजिए हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था कब, जनवरी में स्टार्ट किया था, और हमें 5 साल के बाद यानी 6ठे साल पे, तो 2014 में हम चलते हैं कि एक बार अगर आपको बोला गया कि चलो 14 जनवरी के बाद, ठीक है, आप इसको पैसा निकाल सकते हैं, तो मैं वैसे ही, आप देखो ध्यान देना बिल्कुल, आपके चार्जेस कटने बंद नहीं हुए, मोटिलिटी चार्जेस एडमिन चार्जेस सब चलते रहे, 2012 आ गया है और ये कट रहा है, और उसी तरह से आपका ये 2000 से घटते घटते अब 1900 रुपये यूनिट हो गया। एनएवी बढ़ते घटते रहता है क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये ऊपर नीचे एनएवी होगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट की जो फ्लक्चुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग एनएवी भी चलते रहेगा। अब हम आ गए हैं 2013 में, अगर आप 2013 की आप हिसाब किताब देखें तो 2013 में क्या हो गया, एनएवी अभी 11 रुपये से 11 रुपये के पास ही है, और एडमिन चार्जेस मोटिलिटी चार्जेस कट रहा है, और ये आपका जो वैल्यू है
कम हो गया है। सो इलिप में यही होता है कि आपके पैसे में से ही कटते जाता है, तो जो चार्जेज है वो तो आपको देना ही है। अब हम यहां पर ध्यान देंगे, देखिए यहां पर क्या हुआ, अब हम आ गए हैं 2014, यानी 2008 में हमने इन्वेस्ट किया था जनवरी में, और 2014 आ गया, अब यहां पर हमारे पास 5 साल प्लस हो गया, यानी 5 साल के बाद हम पैसा निकाल सकते हैं। यही आपको बोला गया है कि सर आप 5 साल के बाद पैसा निकाल सकते हो, आपका पैसा डबल हो जाएगा। अब यहां पर देखिए जनवरी है, 4 जनवरी, तो चलो 4 जनवरी को छोड़ दिया मैंने, फरवरी में निकालता हूं, 1 महीने और दे दिया, ठीक है। 1 महीने के बाद अब यहां पर आइए, आपका जो यूनिट एनएवी है 11 रुपये 54 45 पैसे हो गए हैं, और उसके बाद आपके पास कितना बचा हुआ है, 1856.990। तो अब आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इस धोखाधड़ी के शिकार बहुत लोग हो रहे हैं और बहुत लोग बैंक में जाकर इस धोखाधड़ी में फंसते जा रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपको ये वीडियो बनाकर दिखाते हैं कि हम कैसे अपने पैसे को सेव कर सकते हैं, ऐसे चक्रों से कैसे बच सकते हैं। तो हमारे पास अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यूनिट कितना हो रहा था, फरवरी में यूनिट हो रहा था 1156, ठीक है, 1156.969, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 1156 नहीं है, 1856.696। तो 1856.696, हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, 0.696, ये आपका एनएवी है, ठीक है, ये आपका जो बैलेंस यूनिट है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना फरवरी में अगर आप देखते हैं तो फरवरी में आपका एनएवी कितना था, 11 रुपये 45 पैसे। तो यहां पर आप कीजिए 11.4514, राइट। अब अगर हम इसको इक्वल टू करते हैं तो आपकी वैल्यू कितनी रहती है, 21,261 रुपये। आप बिल्कुल ध्यान देना, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 5 साल पहले, 25,000 रुपये। आपको सपने क्या दिखाए गए थे कि साहब ये तो 50,000 रुपये हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे 5 साल में, आपका कुछ नहीं जाना है, आप तो बस आराम से बैठिए और एंजॉय कीजिए। लेकिन बीच में काम क्या हुआ, 21,000 5 साल में घट के हो गया, अरे 25,000 5 साल में घट के हो गया 21,261 रुपये। तो क्या लगता है कि आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो ये है यूलिप की कहानी। तो हर बैंक में इस टाइप से धोखाधड़ी हो रहा है, जो आपको मिस गाइड करके ये चीजें कर रहे हैं। चलिए, अगर क्योंकि ये प्लान आप लंबे समय, आप उसमें क्या होता है कि जब आप प्लान लेते हैं तो उसमें तो लिखा होता है कि आपको देखेंगे वहां पर, जब प्लान पे लिखा रहेगा कि 1x15 प्रीमियम पेइंग टर्म 1, पैसा मिलेगा 15 साल पे, या प्रीमियम पेइंग टर्म 7 ईयर्स, पैसा मिलेगा 15 साल पे, या प्रीमियम पेइंग टर्म 10 ईयर्स, पैसा मिलेगा 15 ईयर्स में, है ना, या 20 ईयर्स में। प्रीमियम पेइंग टर्म का मतलब होता है उतने समय तक आपको पैसा देना है। अब आपने उतने समय तक पैसा दिया, और जब पैसा लेना आप 5 साल के बाद चाहते हैं, तो उसमें सरेंडर, उसको बोलते हैं सरेंडर करना। जब आप सरेंडर करते हैं तो उस समय कुछ सरेंडर चार्जेस भी कट जाते हैं। तो मिला जुला के अगर आप देखेंगे तो वो कोई फायदे वाली चीज नहीं रहता। अगर इसी पॉलिसी को चलो, उसने 5 साल में तो उसको नुकसान दिख रहा है, तो क्लाइंट ने कहा कि चलो भाई इसको चलने दो, हम 15 साल पे पैसे लेंगे। अब इसका धीरे धीरे करके हम चलते हैं, देखिए सारे एक्सपेंसेस जो हैं एज इट इज आपके लग रहे हैं, अब 15 साल हो गया। अब यहां पर देखिए मैं आपको इसकी मेच्योरिटी दिखाने वाला हूं, आज हो गया 4 फरवरी 23, अब क्योंकि 15 साल कंप्लीट हो गया, यहां पर 23 हो गया, तो जनवरी में इसका कंप्लीट हो गया, तो ये मैच्योर हो गया। 15 साल तक पैसा अब उन्होंने 25,000 लगाकर छोड़ दिया, उसमें उनको इंश्योरेंस मिल रहा है, एडमिन चार्जेस उनके ऑलरेडी कट रहे हैं। तो अब यहां पर आप देखेंगे, अब इसकी वैल्यू जो 11 रुपये थी वो बढ़ के 26 रुपये 96 पैसे हो गई, और लेकिन ये जो वैल्यू आपके 2094 थे, जो आपको एसेट मिला था, जो आपको धन मिले थे उस पैसे के बदले में, वो 2094 से गिर के 1710 रुपये बचे, 1710 यूनिट आपको बच गया। तो वैसे ही सिंपल कैलकुलेशन करेंगे,
तो जब सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो 1710 यूनिट हो गया और ये एनएवी हो गया 26 रुपये, तो उसको करेंगे तो टोटल हो गया 44,626, यानी 15 साल में आपने क्या दिया, 25,000 दिया, आपके यहां पर फंड लग गए 25,000 रुपये और आपने 15 साल में आपको मिला 44,626 रुपये। ठीक है, 44,626 माइनस 25,000, ठीक है, तो आपको 19,000 रुपये का फायदा हुआ। इसके साथ आपको इवली प्लान है, इसलिए आपको मिला इंश्योरेंस एक मिला, जो आप सोच रहे हैं कि चलो अगर 25,000 रुपये दिया है तो 35,000 रुपये का सेम डे से इंश्योरेंस होता है अगर वन टाइम दिया है तो। ठीक है, अगर आपने सालाना सालाना देने की बात करी है, 6-6 महीने की बात करी है, तो वो 10 टाइम हो जाता है, तो वो छोड़ दीजिए। तो ये हमने एक बार दिया है, तो 25,000 रुपये दिया, 35,000 का इंश्योरेंस रहा और लास्ट में आपको 15 साल पे 44,000 रुपये मिले, जिसमें आप सोच रहे हैं कि चलो मुझे क्या हुआ कि इसके साथ मेरा टैक्स भी बच गया। ठीक है, यही फायदा सोच रहे होंगे ना। तो अब अगर हम देख लेते हैं, सारी कैलकुलेशंस आपको समझा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए और आप कोई भी चीजें लेने से पहले जरूर सोचें। 25,000 रुपये आपने दिया, ठीक है, आप मान लीजिए कि 30% के स्लैब में है, तो आपको क्या मिला, 7,500 रुपये आपको यहां पर फायदा मिला। 15 साल के बाद आपको मिल गया 44,626 रुपये और 35,000 का इंश्योरेंस रहा आपका। ठीक है, तो यहां पर हम लेते हैं कि चलो 35,000 का इंश्योरेंस हमें यूटिलाइज नहीं करना पड़ा, तो अभी क्या होगा, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या फायदा हुआ वो हम दिखा देते हैं। 44,626 प्लस 7,500, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। तो फिर यहां पर देख लेते हैं, 44,626 प्लस 7,500 आपका टैक्स का बचा, यानी आपका पैसा हुआ टोटल आपने बचाया कितना, 25,000 देकर 52,126 रुपये आपको ये पैसा मिला, मतलब पूरा आपने टैक्स फ्री अमाउंट आपने मैक्सिमम कमाया 52,126 रुपये, अगर आपने 25 साल के लिए पैसा दिया है तो। अगर ठीक है, यहां तो धोखाधड़ी आपके साथ हो गया, अब मैं चलता हूं, याद रखिएगा 52,126 रुपये, अब मैं चलता हूं, अगर यही 25,000 रुपये आपने म्यूचुअल फंड्स में डाले होते तो क्या होता और कितना आपका फायदा होता, कैसे आपको मिसगाइड करते हैं ये लोग और कैसे उसका आप फायदा उठा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट बिल्कुल सीधा साधा है, उसमें आपको कोई भी अलग से नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको कोई भी अलग से कमीशन पार्ट नहीं देना होता है। तो यही चीजें मान लीजिए 15 साल पहले आपने कोई म्यूचुअल फंड्स ले लिया होता 25,000 रुपये का, तो क्या होता, तो यहां पर मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, हो सकता थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा हो तो आप अपना इसको थोड़ा बड़ा करके देख लीजिएगा। यहां पर देखिए, आज अगर आपने, चलो आपने आपका LIC पर विश्वास है, ठीक है, तो आप LIC चूज कर सकते हैं या फिर कोई भी चूज कर सकते हैं। मैंने एक HDFC और LIC दोनों का म्यूचुअल फंड्स सेलेक्ट किया है, जो एक्चुअल में, जो क्योंकि यहां पर क्या है, बैंक वाले तो आपको म्यूचुअल फंड्स बोल के आपको पॉलिसी बेच रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स बोल के पॉलिसी बेचकर धोखाधड़ी कर रहे हैं आपके साथ। तो उसको खत्म करने के लिए अगर आप यही म्यूचुअल फंड्स लिया होता तो आपको क्या होता और क्या वैल्यू होता, ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक बार म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया और वो पैसा केवल आपने 25,000 रुपये ही लगाया होता आज से 15 साल पहले। तो यहां पर आप देखिए, मैंने पूरा यहां पर डिटेल दिया हुआ है कि दो फंड्स सेलेक्ट किए हैं, एक फंड्स है HDFC 100, एक है LIC म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप। फंड्स अलग अलग होते हैं, ये आप अपने एडवाइजर से कनेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो एक साल में क्या परफॉर्मेंस है, 3 साल में क्या है, 5 साल में क्या है। अगर हम 5 साल में, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स और आपने यूलिप लिया, तो यूलिप ने बोला कि चलो भाई आप 5 साल में पैसा निकाल सकते हो 5 साल पूरा होने के बाद, तो उसी तरह से म्यूचुअल फंड्स में भी आप
ऐसे ही भूल गया कि चलो मैंने वो पैसा 5 साल के बाद निकालना है, तो आपने निकाल लिया। तो 5 साल के बाद जो वहां पर आपको 21,000 रुपये मिल रहे थे ईयरली में, लेकिन वही पैसा अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट किया होता, तो केवल अगर LIC के ही, चलो आपको LIC भी विश्वास है, तो LIC में भी किया होता तो उसी की वैल्यू आपकी 39,771 होता। ध्यान से समझिएगा, जहां पर आपको 21,000 रुपये मिल रहे थे वहां पर 39,771 हो रहा है। इसमें आपको 7,500 और माइनस कर देंगे, तभी भी 7,500 आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा था, इसलिए मैं 7,500 और माइनस कर देता हूं, तब भी आपको पैसा जो ये मिल रहा है इससे ज्यादा मिलता और टैक्स की बेनिफिट भी होता। ठीक है, अब आपको LIC छोड़ दीजिए, हम दूसरे फंड्स में जाते हैं। तो यहां पर आपको अगर HDFC टॉप 100 फंड्स लिया होता तो 41,580 रुपये 5 साल में हो गया होता। तो ये क्या है, आपका जो 21,000 और यहां पर 41,000 में बहुत अंतर होता है। आप टैक्स का अपना माइनस भी कर देते, सपोज आपने अलग से टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को, लेकिन इसमें टैक्स पे नहीं करना। आपको ये भी बता दूं कि जितना रिटर्न्स मिलेगा ये भी टैक्स फ्री है, क्योंकि 1,00,000 रुपये तक का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्री होता है। तो ये भी आपको टैक्स फ्री पैसा मिल रहा है, और यह आपको जो 21 मिल रहा था उससे डबल ही मिल रहा है, 42 मिल रहा है। तो इस टाइप से आप म्यूचुअल फंड्स के नाम पर बैंक में जो धोखाधड़ी हो रहा है उससे आप बच सकते हैं। अगर चलिए ये तो हो गया कि हमने वहां तक किया होता तो क्या होता, लेकिन अगर आपने इसको मैच्योरिटी पे पैसा लिया होता तब क्या होता। आप अगर इसको चाहते कि चलो आज नहीं लूंगा, 15 साल की जैसे वहां पर आपने छोड़ दिया था, वैसे ही 15 साल के बाद अगर आप लेते तो क्या होता, वो हम आपको देख लेते हैं और यहां पर दिखाते हैं। तो यहां पर आप देखिए, ये मैच्योरिटी हमने कब किया, पहले हमने 1 जनवरी से स्टार्ट किया था, और दो यहां पर हमारे पास मार्च आ गया, यानी हम ये पूरा का पूरा यहां पर अब मैच्योरिटी लेने जा रहे हैं। तो मैच्योरिटी जब लेने जा रहे हैं, तो अगर वही LIC में आप जाते हैं जो LIC में आपने इन्वेस्ट किया था, तो या LIC से आपको मिल रहा है, LIC म्यूचुअल फंड से 96212, ये भी टैक्स फ्री है, क्योंकि आपका 1,00,000 रुपये तक का टैक्स नहीं देना। तो 96212 मिल रहा है, जबकि वहां पे मिल रहा था 46, तो इससे भी डबल है। ठीक है, उसके बाद वहां पर 35,000 रुपये का आपका इंश्योरेंस मिल रहा था। मेरे ख्याल से ये जो वैल्यू ही इतनी हो गई, तो उसकी इंश्योरेंस की वैल्यू खत्म हो गई। ठीक है, अगर यही चीज आपने LIC की जगह पे HDFC का म्यूचुअल फंड्स चूज किया होता, तो ये वैल्यू मिल रहा है HDFC में, और उसकी वैल्यू हो रहा है 1,42,402 रुपये। तो आप समझिए कहाँ 46,000 और कहाँ 1,42,000, कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, ये आपको सोचना है। इस धोखाधड़ी से बचने के लिए, जैसे बैंक वाले आजकल ये जो बड़ी बड़ी धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो इस धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको समझदार होना जरूरी है। इसलिए मैंने बोला कि आप अपने बैंक से जो भी आप करने जा रहे हैं, जो भी बैंक में सोच रहे हैं कि नहीं ये तो मेरा हित ऐसी है, ये तो मेरी रोज अकाउंट को मैनेज कर देती है, ये तो मैं फोन करता हूँ सारा काम हो जाता है, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो केवल एज ए कस्टमर आपके साथ डील कर रहे हैं और आपसे पैसा लूटने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात को आप समझिए। तो इसलिए जाकर अभी पॉलिसी चेक कीजिए, अगर 15 दिन 1 महीना नहीं हुआ तो पॉलिसी बंद कीजिए। कई सारे क्लाइंटों के मेरे पास फोन आ चुके हैं, और मैं सबको बता चुका हूं कि बैंक आपको यूलिप बेच रही है, यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, इसको कमीशन से मतलब है, म्यूचुअल फंड्स नहीं है, वो म्यूचुअल फंड्स नहीं है। आपने दोनों का अंतर समझ लिया, अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो लिख डालिए मुझे, कमेंट्स कीजिए, और सबको इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि सबके पास पहुंच सके और सभी इससे अवेयर होके अपने फंड्स को मैनेज करें। अब रह गई बात कि गलती से आपने कर लिया और बैंक उसको बंद करने से मना कर रहा है, 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया है, तो आप अपना उसके बाद उस पॉलिसी को लैप्स करवा दीजिए, उस पॉलिसी में पैसा देना बंद कर दीजिए, और जो पैसा आपको देना है सीधे अपने म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए आगे। और जो पैसा मान लीजिए कि आपका 50,000 रुपये यहाँ पर चला गया है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जितने भी यूलिप प्लान में आपने फंड छोड़े हैं वो खत्म नहीं होते, 6 साल के बाद जितनी वैल्यू उसकी बनी होगी
5 साल के बाद जितनी वैल्यू बनी होगी 6ठे साल स्टार्टिंग पे, पूरा पैसा आप वहां से ले लीजिएगा, इसी में भलाई है। थैंक्स फ्रेंड्स, अभी भी आपके पास क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।